कोरोना महामारी और महंगाई जैसी मुसीबतों से लड़ने के बावजूद भारत की विकास की रफ्तार अब थमने वाली नहीं है। भारत को दुनिया में अलग पहचान देने और कारोबार को बढ़ाने के लिए भारत ने रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की पहल शुरू की है, जिसकी कामयाबी देखकर कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की दूसरी महाशक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। रूस के भारतीय रुपए में विदेशी व्यापार शुरू करने वाला पहला देश बनने के कुछ दिन बाद अब लगभग 35 देशों ने रुपए में व्यापार करने में रुचि दिखाई है। आरबीआई ने जुलाई 2022 में विदेशों से ब्याज बढ़ाने और डॉलर पर निर्यात घटाने के लिए रुपए में व्यापार प्रस्ताव दिया था। रूस और श्रीलंका के बाद रुपए में व्यापार करने में जो देश इच्छुक हैं उनमें बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे पड़ोसी देश शामिल हैं। रिपोर्ट्स की माने तो तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान भी रुपए में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन चारों देशों ने रुपए में ट्रेड सेटलमेंट के लिए विशेष वोस्ट्रो खाते में रुचि दिखाई है। रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मान्यता मिलने से भारत को कई मोर्चों पर फायदा होने की उम्मीद है। अगर ये सफल रहा तो कच्चे तेल के साथ आयात की जाने वाली ज्यादातर चीजों का भुगतान रुपए के जरिए से ही किया जाएगा। अभी भारत इसके लिए हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। इसके अलावा कई विदेशी लेन देन का भुगतान डॉलर में किया जाता है। हालांकि रुपए में कारोबार करना इतना भी आसान नहीं है, इसके खरीदार मिलना अक्सर मुश्किल होता है। दूसरी तरफ भारतीय रुपए की तुलना में यूएसडी की मांग ज्यादा है। आइए अब जानते हैं कि रुपए में व्यापार समझौता कैसे काम करेगा। भारत का रुपया व्यापार सेटलमेंट मैकेनिज्म अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए डॉलर और अन्य बड़ी मुद्राओं के बजाय रुपए का उपयोग करने का एक तरीका है। आयात और निर्यात के लिए देशों को विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में डॉलर के मजबूत होने से दुनिया भर के कई देशों के लिए आयात महंगा हो रहा है। रुपए में व्यापार के लिए वेस्ट्रो खाते की मदद से कोई भी देश भारत के साथ आयात या निर्यात का मूल्य चुकाने के लिए रुपए का इस्तेमाल कर सकता है। आइए समझते हैं कि वेस्ट्रो खाता कैसे काम करेगा। एक विदेशी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक को एक एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए वेस्ट्रो अकाउंट बनाया जाता है। इन सर्विसेज में उन देशों में ग्राहकों के लिए वायर ट्रांसफर, विड्रॉल और डिपॉजिट करना शामिल है, जहां घरेलू बैंक की फिजिकल रूप में मौजूदगी नहीं है। विदेशी कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक घरेलू बैंक की ओर से ट्रेजरी सर्विस भी कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी ला सकता है। कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक घरेलू बैंक से वोस्ट्रो अकाउंट से जुड़ी सर्विस के लिए चार्ज भी लेता है। जहां एक तरफ पूरी दुनिया पर मंदी के बादल घिरते नजर आ रहे हैं, ऐसे में कारोबार को आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करना जरूरी है और इसी दिशा में रुपए को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए उठाया गया एक कदम काफी अहम साबित हो सकता है और सरकार की इस तरह की नीतियों के बल पर देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया जा सकता है।